देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री चौधरी उदय भान सिंह के खिलाफ उनके ही मुंह बोले भांजे तेजनगर कमलानगर निवासी अशोक कुमार अग्रवाल ने मोर्चा खोल दिया है। रविवार दोपहर भगवान टॉकीज चौराहे के निकट होटल नीलकंठ में प्रेस वार्ता आयोजित कर अशोक कुमार अग्रवाल ने राज्य मंत्री व उनके परिवार से पीड़ित अन्य लोगों से भी उनके साथ एकजुट होने की अपील की। श्री अग्रवाल ने कहा कि वे एक एक कर राज्य मंत्री के काले कारनामों का खुलासा करेंगे। इस क्रम में उन्होंने बताया कि विगत 30 वर्षों से राज्य मंत्री चौधरी उदय भान सिंह ने हसनपुरा लोहा मंडी स्थित आगरा विकास प्राधिकरण के लगभग 16,000 वर्ग फीट के सार्वजनिक पार्क का अवैध कब्जा कर रखा था। इस पार्क पर अवैध कब्जा करने में उनके साथ झम्मन लाल गुरनानी भी शामिल हैं। इसके खिलाफ भी वे 2 साल और 3 साल पहले भी आगरा विकास प्राधिकरण में शिकायत कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने फिर आगरा विकास प्राधिकरण के सचिव और उपाध्यक्ष के साथ साथ जिलाधिकारी से भी लिखित में शिकायत की है, किंतु सत्ता के दबाव में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने आम जनता के लिए छोड़े गए पार्क को इन दोनों व्यक्तियों से मुक्त कराकर जनहित में आबाद किए जाने की प्रार्थना की है। आगरा से साजिम खान की रिपोर्ट, प्राइमेटी न्यूज। मेरा नाम अशोक अग्रवाल है, मैं 201 शांति अपार्टमेंट कमला नगर में रहता हूँ। क्या पूरा मामला है जिसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस? मतलब ऐसा है, अभी तो ये मामला मेरा एक तो इन पे 2.5 करोड़ रुपया इन पे राजीव चौधरी पे और उदय भान सिंह दोनों पे मिला करके, और तीसरा मामला एक जो है क्या इस समय नया मैंने जो खोला है वो इन्होंने एक पार्क पर कब्जा कर लिया है जयपुर हाउस हसनपुरा की सीमा पर जो मिलता है 245 नंबर कोठी जो कि जयपुर हाउस में है उसके बराबर से वो पार्क था। 1600 स्क्वायर फीट का पार्क है जिसकी कीमत आज की तारीख में कम से कम 20 करोड़ रुपए है। उस पर ये कब्जा सन 1990 से किए हुए हैं। एक ही रात में इन्होंने पूरे पार्क को तहस नहस कर दिया 40-50 आदमी लगा करके। उसमें बड़े बड़े वृक्ष थे छायादार, सबों को तहस नहस करके इस समय इस खाली एक उसमें पीपल का पेड़ रह गया। आपने कई जगह शिकायत भी की है डीएम से लेकर एडीए अधिकारियों को भी? कोई मतलब हमने शिकायत तो जरूर की है लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक इनके खिलाफ। अब ये आखिरी मतलब वो है, यदि एडीए ने 8 दिन में कार्रवाई नहीं की तो हम मुख्यमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाकर लखनऊ सारे अपने सबूतों के साथ मुख्यमंत्री से मिलेंगे।